हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 12th क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स का मॉडल पेपर। यह न्यू पैटर्न पे आया हुआ मॉडल पेपर है जो आपको 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आपको यानी लास्ट तक बने रहना है, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये आपको यानी बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प रहेगा। आपको इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए आज की यानी जो हमारा आज का ये है मॉडल पेपर, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये आपको यानी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये आपको यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यानी 12th क्लास यानी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, जो कि 2022 में जो हम लोग देने वाले एग्ज़ाम इसमें पूछा जाएगा आपको। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग यानी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो फिर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बड़े ध्यान से। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आपको एग्ज़ाम में इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यानी लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ। चलिए तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूरा पूछा जा रहा है, चलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए आपको अगर आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, तो यहाँ पे कौन सा यानी आपको पूछा है, चूज़ द बेस्ट पैसिव वॉइस, यानी आपको बताना है कौन सा यहाँ पे पैसिव वॉइस बेस्ट है। चलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में है ही हैड बीन सीन लिविंग द हाउस, ही वॉज सीन टू बी लिविंग द हाउस, लिविंग द हाउस ही वॉज सीन बाई मी, या डी में आपका ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी। तो यहाँ पे कौन सा होगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का? चलिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी। चलिए ये करेक्ट पैसिव वॉइस है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसी तरह से कमेंट में आंसर देते चलिएगा। आप लोग प्राइस से रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं सिर्फ। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, योर नेम वॉज टू बी रिटन ऑन पेपर। चलिए तो यहाँ पे आपको बताना है चूज़ द बेस्ट एक्टिव वॉइस, यहाँ पे तो आपको जो बेस्ट एक्टिव वॉइस है उसको चूज़ करना है, आपको चुनना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपका है यू वेयर आस्क टू राइट योर नेम ऑन पेपर, बी में आपका यू हैव टू राइट योर नेम ऑन पेपर, यू विल राइट योर नेम ऑन पेपर, डी में आपका यू वर टू राइट योर नेम ऑन पेपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी यू हैव टू राइट योर नेम ऑन पेपर। चलिए आप लोगों को कमेंट में आंसर बताते चलना है, आप लोग इधर उधर की कमेंट ना करें, आप लोग यानी जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं सिर्फ। चलिए आप लोग पर्सनल चैट आप लोग पर्सनली कीजिएगा, यहाँ पे कमेंट में ना करें। चलिए देख लेते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या है, माई मदर, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, माई मदर डैश 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पे आपको चूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म, यानी कौन सा टेंस फॉर्म होगा यहाँ पे आपको चूज़ करना है। यानी फर्स्ट ऑप्शन में आपका विल बी, वॉज होगा, विल हैव होगा, इज होगा। चलिए तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विल बी हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं मैंने यानी जो ग्रामर पोर्शन था उसमें हमने जो टेंस पढ़ा था वहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कर दिया था टेंस में। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो आप लोग यानी जो प्लेलिस्ट में यानी 12th क्लास ग्रामर से बनाया हुआ है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी जितने भी ग्रामर से हैं सारे को मैंने पढ़ा दिया है। चलिए अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, सी डैश कम येट वेयर वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, हैव नॉट होगा, हैज़ नॉट होगा, हैज़ होगा या वॉज होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हैज़ नॉट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। यानी आपको चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन को देखना है कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका है आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, या आप बी में आपका आई वॉज नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, सी में आपका आई विल नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे डी में आई हैव नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 5 का, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। चलिए तो यहाँ पे आप देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। आप लोग आंसर कमेंट में बताते चलिएगा क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग, फॉर्चून स्माइल यानी डैश फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। यहाँ पे क्या होगा, चूज़ द बेस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, आपको चूज़ करना है कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, कैन आएगा, मस्ट आएगा, मे आएगा या शुड आएगा। यहाँ
पे क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मे हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन में, क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पे कौन सा आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म लाना है, कौन सा करेक्ट होगा, डाइड होगा, कैन डाइड, विल डाई या हैड डाइड। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर एट को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एट में यहाँ पे क्या है, ही सेड, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, ही अर्ग्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, बी में आपका ही अर्ग्ड देम एंड सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू द हिज वर्ड्स, या पे सी में आपका ही अर्ग्ड दे शुड बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, या डी में आपका ही सेड यू शुड बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर एट का फटाफट आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इधर उधर की बातें ना करें, आप लोग यानी जो प्राइस से रिलेटेड ही कमेंट करें। चलिए तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी फटाफट आप लोग दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर एट का जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे हमें, ही अर्ग्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन में, ही सेड ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने है, कौन सा ऑप्शन यानी बेस्ट होगा, ही सेड आई वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेड आई विल गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेड आई गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन को आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जो मॉडल पेपर है ये आपको इसी से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को आपको देखने हैं, ध्यान में रखने हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टेन को देख लेते हैं हम लोग, आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन एडिशन टू डैश आई गेव हिम $500। यहाँ पे चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन मीनिंगफुल है आपको उसको चूज करना है। यहाँ पे एडवाइजिंग होगा, एडवाइज होगा, दैट आई एडवाइज होगा, या माई एडवाइजिंग होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर टेन का जो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दैट आई एडवाइज, यानी इन एडिशन टू दैट आई एडवाइज्ड आई गेव हिम $500। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे क्या है, आई रिग्रेट डैश सुसान, क्या है सुजैन, अबाउट द वेडिंग, चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, कौन सा मीनिंगफुल एक्सप्रेशन होगा आपको चूज करना है, टेल, टेलिंग, टू टेल या टू टेलिंग। यहाँ पे जो आपका 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आई रिग्रेट टू टेल सुजैन अबाउट द वेडिंग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, आई थॉट यू वर अबाउट डैश, चूज द बेस्ट, यानी आपको यहाँ पे भी मीनिंगफुल एक्सप्रेशन चूज करना है, कौन सा होगा, लिव, लिविंग, लेफ्ट, टू लिव। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी टू लिव, यानी आई थॉट यू वर अबाउट टू लिव। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, This is the cause dash the problem। यहाँ पे आपको बताने यहाँ पे क्या होगा, डैश में ऑन होगा, ऑफ होगा, या ऑफ होगा या बाय होगा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है, कौन सा प्रीपोजिशन होगा। चलिए मैंने आपको प्रीपोजिशन के क्लास में आपको बता दिया था कहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वहाँ पे चेक कीजिए, आप देख लीजिए। चलिए यहाँ पे कौन सा जो आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑफ, दिस इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए अब देख लेंगे मुझे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, इट वॉज डार्क डैश द टनल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट, आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन चुनना है, कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा, देन होगा, इनसाइड होगा, बाय होगा या ऑन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी इनसाइड द टनल। चलिए
अब देख लेते हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, द मैन इज सिटिंग डैश ए टेबल। यहाँ पे आपका यानी यहाँ पे भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन को चुनना है, कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट होगा, ऑन होगा, एट होगा, ऑफ होगा या ओवर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द मैन इज सिटिंग ऑन ए टेबल। चलिए ये जितने भी प्रीपोजिशन है मैंने आपको यानी क्लास में यानी जो ग्रामर की क्लास है उसमें आपको बता दिया था कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे होगा। चलिए अब देख लेते अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज़ ए बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास या ही द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 17 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, चूज़ द क्या है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है, आई एम टू गुड, आई एम एट गुड, आई एम वेरी गुड, आई एम सो गुड। तो यहाँ पे कौन सा आपका बेस्ट आंसर यानी आंसर होगा, यानी कौन सा करेक्ट होगा, यानी आपका 17 का यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आई एम टू गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, चूज़ द क्या है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ही विल नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ही हैड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, डैश इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। तो यहाँ पे कौन सा आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका है साइकिल, व्हील साइकिलिंग, साइकिलिंग हेड साइकिलिंग। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी साइकिलिंग इज़ द यानी साइकिलिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे क्या है, डू यू माइंड डैश इट विद यू। बेस्ट ऑप्शन चुनना, टेक लगेगा, टू टेक होगा, टेकिंग होगा, टेकन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डू यू माइंड टू टेक इट विद यू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि हम लोग यानी इस चैनल पर जितने भी सारे क्वेश्चन बैंक होंगे यानी टेस्ट सीरीज होंगे या कोई भी मॉडल पेपर होगा आपको यानी बारी बारी से इस चैनल पर आपको लाया जाएगा, आपको क्लास कराया जाएगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है और अपने दोस्तों में हर हाल में वीडियो को शेयर करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 21 को। सी मेक्स ए पॉइंट ऑफ डैश टू हिम वंस ए वीक। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, हैविंग रिटर्न, बीइंग रिटर्न, राइटिंग हैविंग बीन रिटर्न। यहाँ पे कौन सा यानी क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट हो जाएगा आपकी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बीइंग रिटर्न, यानी सी मेक्स ए पॉइंट ऑफ बीइंग रिटर्न टू हिम वंस ए वीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताने हैं, बेस्ट ऑप्शन हैविंग पे, टू पे, ऑप्शन हैविंग पे, टू पे, पेइंग या पेड। यहाँ पे 22 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी आई लाइक टू पे माई बिल्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, जैक डैश इंग्लिश स्पेनिश एंड बिट ऑफ फ्रेंच, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। हमें कौन सा ऑप्शन चूज होगा यानी करेक्ट होगा, स्पीक्स, स्पीकिंग, स्पीक इज स्पीकिंग। यहाँ पे 23 का जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जैक स्पीक्स इंग्लिश स्पेनिश एंड बिट ऑफ फ्रेंच। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में, देखिए आप लोग और कमेंट में आंसर दीजिए, ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाई कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपको, इनक्यूरेबल या कॉन्टेजियस या इन्फेक्शियस या फैटल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कॉन्टेजियस। इसको हम लोग बोलते हैं यानी ये कैसे फैलता है, वो कॉन्टेक्ट से फैलता है एक दूसरे के टच में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, द फोन रैंग। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं, एन अगो फ्यू मिनट, ए मिनट फ्यू अगो,
एन मिनट फ्यू अगो या ए फ्यू मिनट अगो। चलिए तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपको बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए फ्यू मिनट्स अगो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में चूज़ द बेस्ट करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको बेस्ट जो यानी करेक्ट वर्ड है आपको उसको चूज़ करना है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे डिकोटोमी है, यहाँ पे भी डिकोटोमी है, यहाँ पे डिकोटोमी आपको बताने कौन सा डिकोटोमी का स्पेलिंग वो करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपका 26 का जो आंसर यानी बी है ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है, ये डिकोटोमी का स्पेलिंग सही है। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ भी आपको जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज़ करना है। यहाँ पे आपका है मिलेनियर, आपको मिलेनियर में आपको चूज़ करना है कौन सा आपका आंसर सही है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मिलेनियर कैसे हो जाएगा, MILNIONNAIRE, ये आपका आंसर यानी स्पेलिंग करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में आई डैश माई आई पैड एनी मोर, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, आई एम नॉट यूजिंग, डिड नॉट यूज़, डोंट यूज़, डज नॉट यूज़। यहाँ पे 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिड नॉट यूज़, यानी आई डिड नॉट यूज़ माई आई पैड एनी मोर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 को क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में चलिए आप लोग आंसर दीजिए, व्हाट डैश इन द इवनिंग यू आर डूइंग, इज यू डूइंग, आर यू डूइंग या वॉज यू डूइंग। यहाँ पे 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में आई डोंट नो डैश मनी ही हैज़, यहाँ पे जो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, हाउ मैनी, हाउ मच, व्हाट मैनी, वेयर मैनी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, हाउ मच, यानी आई डोंट नो हाउ मच मनी ही हैज़। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको इंस्ट्रक्शन देना है, यानी क्वेश्चंस फ्रॉम 31 to 50 आर बेस्ड ऑन प्रीस्क्राइब टेक्स्ट, यानी आपको ये बुक पर्सन से पूछा गया है, आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। चलिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, यानी ये जो सेंटेंस है मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू गुड टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, ये कहाँ से लिया गया है आपको, आई हैव ए ड्रीम से लिया गया, या ए चाइल्ड इज बॉर्न, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, या द अर्थ से लिया गया है। तो यहाँ पे जो 31 का जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये जो सेंटेंस लिया गया है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जो कि हमारा पड़ोस सेक्शन का पहला ही चैप्टर है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में भारत इज माई होम इज रिटन बाई, यानी जो भारत इज माई होम है ये चैप्टर का नाम है, इसको किसने लिखा है, जर्मेन ग्रियर, सीगा नाओया, पल असबक, जाकिर हुसैन। यहाँ पे जो आपका 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है भारत इज माई होम। चलिए यह एक स्पीच था उन्होंने दिया था। चलिए अब हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं, क्वेश्चन 33 में क्या है, डोरोथी एल्सियर सेज दैट प्रेज इज फ्री, तो यहाँ पे आपको बताने हैं एवरीवेयर, समवेयर, नाउ एवर या एटमोस प्लेसेस। यहाँ पे आपका 13 का कौन सा आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट में आंसर बताने हैं, जल्दी आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समवेयर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, समवेयर हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 को, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है, सीगा नाओया इज ए डैश स्टोरी राइटर, यहाँ पे बता रहे हैं आपको कौन से कंट्री के राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कहाँ के थे, चाइनीज थे, जापानीज थे, मलेशिया या कोरियन थे। तो यहाँ पे जो आपका 34 का जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, ये जापानीज राइटर थे, कौन, सीगा नाओया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 में बेंजी वॉन्टेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड, या क्या करना चाहते थे अपने पेरेंट्स के लैंड को, लैंड, सेल, बाय या गिव। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा वो सेल हो जाएगा, यानी क्या करना चाहता था वो, सेल करना चाहता था, बेचना चाहता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में पर्ल असबक वॉज एन
ए एन बाई बर्थ, यानी आपको बताने हैं वो बर्थ से यानी कहाँ पैदा हुए थे, अफ्रीका अफ्रीकन थे या इंडियन थे या ब्रिटिश थे या अमेरिकन थे। तो यहाँ पे जो आपका 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बाई बर्थ वो क्या थे, अमेरिकन थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन 37 को देख लेते हैं हम लोग। 37 में यहाँ पे क्या है, द नेम ऑफ लोमोव डॉग इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए में है गेस, लीप, स्टार एंड जैकी। यहाँ पे लोमोव का जो कुत्ता का नाम क्या था, यहाँ पे 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गेस था। क्या नाम था, गेस था। चलिए यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में, द लायन नॉर द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, यानी जो ये सेंटेंस ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, कौन से पोएम से लिया गया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है फायरहाइम टू ऑटम स्नैक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे जो आपका 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये पोएम से लिया गया है ये लाइन। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, ये किसने यानी ये पंक्ति जो किसने लिखा है किसने बताया है, यहाँ पे आपको बताने हैं जॉन डॉन या WH ओडेन या TS एलियट या वॉल्ट विटमैन। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा 39 का, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी वॉल्ट विटमैन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 को। चलिए ये जो आपको मॉडल पेपर कराया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, ये आपको एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आपको आएगा, ये आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको ये ध्यान से यानी नोट करते जाना है और ध्यान से सुनना है आपको। चलिए आप लोगों को इधर उधर की बातें नहीं करना है चैट में, क्योंकि आप लोग चैट में पर्सनल बातें करते हैं तो पर्सनल बातें चैट में ना करें आप लोग, यानी क्वेश्चन के सिर्फ आंसर्स दें। चलिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है, द लाइन द वॉइस, यानी जो द लाइन है यानी ये लाइन है कौन सा लाइन, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड इट इज़ टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, स्नैक से, ऑटम से, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट या फायर हेम से। तो यहाँ पे कहाँ से लिया गया है ये लाइन, यहाँ पे 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्नैक से लिया गया है, जो कि ये हमारा पोएट्री सेक्शन का एक पोएम है। चलिए हमने पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे सारे कवर कर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, मैंने वहाँ पे डाल दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 को, 41 में क्या दिया हुआ है, लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाई, यानी ये किसने लिखा है आपको बताने हैं कौन से राइटर हैं। फर्स्ट में आपका है विलियम वर्ल्ड्सवर्थ, P.F. शेली, जॉन कीट्स या ST कॉलरिज। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा 41 का, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जॉन कीट्स ने लिखा है। चलिए अब देख लेते हैं मैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, TS एलियट इज ए डैश पोएट, आपको बताने हैं 18वीं शताब्दी के या 16वीं शताब्दी के। तो यहाँ पे जो आपका 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 20वीं शताब्दी के वो क्या थे, राइटर थे यानी। चलिए अब अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वॉन्टेड टू लिसन टू द डैश एयर, आपको बताने हैं आपके आपका फर्स्ट ऑप्शन में फॉलोइंग कॉल्ड फ्रोजन या हॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी फ्रोजन एयर हो जाएगा 43 का जो आंसर। चलिए अब आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ है, द लाइन यानी ये लाइन कौन सा लाइन है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी इज़ फ्रॉम, मेरी ये जो लाइन है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी ये कहाँ से लिया गया है, फायर हेम से एंड एपिटाफ से, द सोल्जर से या स्नैक से। यहाँ पे 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी एंड एपिटाफ से लिया गया है ये लाइन ये पंक्ति। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, यहाँ पे बताने आपको क्या किससे जाना जाता है मेजर लिंग्विस्टिक चेंज को, मॉडर्न इंग्लिश यानी ग्रेट वोवल शिफ्ट या ओल्ड इंग्लिश या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी द ग्रेट वोवल शिफ्ट।
के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 46 में अनटचेबल एंड कुली आर रिटन बाई, यानी ये किसने लिखा है आपको बताने हैं, आर के नारायण, बी सी चट्टोपाध्याय या एम आर आनंद या एस सी चटर्जी। यहाँ पे जो आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी एम आर आनंद हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। तुगलक इज रिटन बाई, तो आपको बताने तुगलक किसने लिखा है। चलिए अभी आपका फर्स्ट ऑप्शन में है आसिफ क्यूरियम भोए, उसके बाद यहाँ पे जी बी सौ, आर एन टैगोर या गिरीश कर्नाद। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा आंसर करेक्ट, 47 का डी हो जाएगा, यानी गिरीश कर्नाद ने लिखा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया हुआ है, डैश लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज, आपको बताने कौन सा कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज होगा सबके लिए होगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 को। क्या क्वेश्चन नंबर 49 में, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, यानी जो ड्रामा वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर बताने हैं, लैटिन, स्कैंडिनेवियन, इंडियन या ग्रीक। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये कौन सा लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, कौन सा ड्रामा। चलिए अब देख लेते हैं, अभी अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफर एसोसिएटेड विद, यहाँ पे आपको डैश में भरने क्या हो जाएगा, जॉन ड्राइडन या विलियम वर्ड्सवर्थ, एलेक्जेंडर पॉप या जॉन मिल्टन। यहाँ पे जो आपका 50 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 51 में, गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यहाँ पे कौन सा था यानी ड्यूरिंग कौन सा पीरियड था, 1869 से 1948 या 1919 से 1948, 1915 से 1948, 1916 से 1948। यहाँ पे जो आपका 40 यानी 51 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1915 से 1948। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, बताने कहाँ पे, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस या द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ड्रीमिंग ऑफ फ्यूचर या फुल परफेक्शन। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे, हु वॉज कमिंग टू विजिट द नेरेटर्स फैमिली, यहाँ पे आपको बताने हैं कौन नेरेटर्स की फैमिली को देखने आ रहा था। ऑप्शन नंबर आपका ये है, मैं रातिराम, मिनिस्टर, नानू काका या नरेटर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी 53 का सी हो जाएगा, यानी नानू काका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 54 में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आई हैव ए ड्रीम, यानी जो प्रोज सेक्शन का जो ये चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, इसके राइटर कौन है, मार्टिन मार्टिनी, मार्टिन लूथर किंग, जॉन डॉन या एच ई बेट्स। तो यहाँ पे जो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को, फॉर होमो सेपियंस सर्वाइवल वॉज, क्या है, नो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है या वेरी इजी या मोस्ट इजी। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रॉब्लम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 56 में, व्हेन वॉज सीगर नाओया बोर्न, तो आपको बताने हैं जो सीगर नाओया है वो कब पैदा हुए थे। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको 1873, 1884, 1883, 1882, जो आपका 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा यानी कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1883 को सीगर नाओया पैदा हुए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ए चाइल्ड इज बोर्न, तो यहाँ पे आपको बताने हैं जो ए चाइल्ड इज बोर्न है इसके ऑथर कौन है, इसके राइटर कौन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 57 का, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जर्मेन
कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जर्मेन ग्रेर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जितने भी राइटर हैं आपको चैप्टर वाइज याद रखने हैं, और जितने भी पोएट हैं आपको उसको भी याद रखने हैं किसने क्या लिखा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 को हम लोग, रिस्ट्रिक्शंस आर नॉर्मली प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ, यहाँ पे ए है फ्लड, ब्लड शेड, यहाँ पे आपका वॉर, यहाँ पे आपका फेमिन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 58 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी वॉर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59, ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए द प्रोज पीस द अर्थ इज रिटन बाय, यहाँ पे बताने जो अर्थ है इसको किसने लिखा है। चलिए महात्मा गांधी, E.M. बेट्स या E.H. बेट्स या H.E. बेट्स। यहाँ पे जो 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी H.E. बेट्स ने लिखा है, किस क्या लिखा है द अर्थ। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। ये हमारा आखिरी या अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा। इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन 1576। तो यहाँ पे जो आपका 60 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1476। तो इसी के साथ जो हमारा आज का जो मॉडल पेपर था वो ख़त्म हो चुका है। फिर इस यानी जो मॉडल पेपर होगा मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए इसी तरह से। तो आपको यानी लाइक अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि हम लोग इसी तरह से यानी जितनी भी सिलेबस में आपका है वो सारा को कवर करेंगे एग्ज़ाम से पहले, और साथ में हम लोग रिविज़न भी करेंगे। तो आपको यानी मॉडल पेपर हो गया, आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट हो गया, आपको यानी आपके लिए ये लाया जाएगा। तो आपको यानी इस चैनल पे बने रहना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप क्वेरी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप तक आपने अगर हमारा चैनल यानी टेलीग्राम चैनल है BBP हेल्प नाम से, आपने वहाँ पे नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको यानी जितनी भी क्लासेस है वो सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे डाल दिया जाता है, ताकि आप क्लास को आसानी से अटेंड कर सके। तो आप ये यानी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।